तो जैसे कि आप लोगों को पता है ये नाजो की तबीयत ख़राब है, तो मैं चाय बना रहा हूँ नाजिया के लिए। ये नाजो की चाय है और ये हमारी चाय है, दोनों चाय पक रही है। ये इसमें सिर्फ अदरक और हल्की चाय की पत्ती है सिर्फ टेस्ट के लिए, ताकि उसकी जो पेट की तकलीफ वो कम हो जाए। एक पकाड़ा है ये, ठीक है, तो ये अलग पका रहा हूँ उसके लिए, और ये हमारे मेरे कारीगरों के लिए अलग से चाय। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, मेरे भांडी बर्तन जो ऐसे ही पड़े हैं, ये कप है मैंने धोया बस चाय पीने के लिए। और ये देखो कैसा पसारा फैला हुआ, एक और पसारा सब धोने के लिए है। वो शाम में शायद मुझे ही धोना पड़ेगा ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत देख के। बस दुआ करो कि तबीयत ठीक हो जाए, तो ये काम मुझे ना करना पड़े, ठीक है। चाय मेरी कम थक गया हूँ मैं कभी से काम करते करते, और मैंने चाय बनाया। जरा पूछता हूँ मेरे भाइयों से चाय कैसी बनी थी। रियाज ये मेरा दोस्त बन गया है, सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। तो चाय कैसी थी? एकदम मस्त थी। अच्छा, कैसे लग रहा है काम करके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ काम करते हुए। चलो अच्छी बात है। ओ भाई बहुत बिजी है, अपने काम में बहुत व्यस्त है, थोड़ा सा सब देख सकते हो। चलिए फिर मिलता है आपको मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी यहाँ पे इतने वक्त पे ना 7:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था शाम के वक्त। अभी बाबू पूरी तरह से थक गए हैं और बहुत बुरी तरह से मेरा भी पेट दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका है, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भी काम ख़त्म हो और ये लोग जाएंगे तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो बस वही इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये मैं बेडरूम में लेटी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज क्या क्या काम हुआ है। तो आज सिर्फ पूरे घर में, हॉल, बेडरूम, किचन में ये मेटल का काम हो गया है, सीमेंट सीलिंग है ना, कल लग जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो एक साथ करना चाह रहे थे, क्योंकि उसे थोड़ा गंदा भी होता है ना, PUB वगैरह लगता है तो पाउडर पाउडर हो जाता है घर के अंदर सब। तो ऐसा है, बस अभी 8:30 बज गया है तो हो गया इन लोगों का काम। और स्टाफ इतने अच्छे थे ना, इतने हेल्पफुल थे ना, कसम से बहुत अच्छे से उन्होंने सारा काम किया और एक दिन में इतना फटाफट इतना काम कर दिया माशाल्लाह। अभी कल होगी वायरिंग और ये वापस इसका ही काम, और किचन वगैरह सब बिगड़ गया है। और जब घर में काम होता है तो घर की हालत कुछ इसी तरह से होती है। मुझे बुरा लग रहा है, आज ही मैं बीमार हूँ, हानि तो क्या। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं अम्मी के दर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारा काम किए कल के दिन। पहला दिन था ना घर का काम चालू होके, पहला दिन था कल। अपन वहाँ बैठेंगे, उसमें थोड़ा उजाला आएगा ना। तो जो चीज़ नई शुरुआत होती है ना, उसको मना नहीं करना चाहिए। पहले दिन पे कारीगर आ चुके थे और मेरी तबीयत ख़राब थी, हमने मना नहीं किया था, हमने काम शुरू करवा दिया था घर का, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो बाबू ने कल पूरा घर भी हैंडल किए, इवन मेरी तबीयत से लेके किचन से लेके कारीगरों तक के सब कुछ उन्होंने हैंडल किया, इवन ब्लॉग तक उन्होंने बनाया। कल सुबह में जब वो कारीगर लोग आए थे तो मुझे नाश्ता भी लाके उन्होंने ही खिलाया, और इवन हम लोग ने नाश्ता सब ने मिल के किया था, सारे स्टाफ जो भी आए थे घर में काम करने। मैंने डोसा खाया था जबकि मुझे डोसा नहीं खाना चाहिए था, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी। तो हम सब ने डोसा ही खाया था कल सुबह में नाश्ते में, और दोपहर में हमने खाना भी साथ में खाया था कारीगर लोग और हमने, ठीक है। और क्या, फिर दिन भर का तो ब्लॉग आपने कल देख ही लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कल रात में मैं गई थी डॉक्टर के पास गई थी, और फिर जाके दवा लेके आई। अभी थोड़ी अच्छी है मेरी तबीयत, कल तो मैं इतना भी बात नहीं कर पा रही थी, इवन आप लोगों को मेरी आवाज़ में भी
थोड़ा फर्क पता चल रहा होगा, लेकिन बनता है ना, थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ सोची मैंने। अभी आई हूँ अम्मी के घर पे। आप लोग कल के वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे कि तबीयत ख़राब है तो नाज़िया बाजी एक हफ्ते के लिए अम्मी के घर चले जाओ जब तक घर का काम होता है। तो देखिए अभी घर का काम तो शुरू हुआ है, पहले स्लेडिंग डलेगी, उस स्लेडिंग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सीमेंट सीलिंग होगी, उसके बाद घर में कलर होगा, उसके बाद घर को अच्छी तरीके से हमें करना है, मतलब जो भी है उसके लिए हफ्ता 10 दिन तो जाएगा। लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो आप लोगों ने बहुत बोला कि आप अम्मी के इधर चले जाओ, वहाँ जाके आराम करो। बट आप लोगों को बताना चाहूँगी, अम्मी ये लोग 6 तारीख को अजमेर के लिए निकलने वाले थे, यानी कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी वो उस दिन वो लोग की पैकिंग शुरू थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे आके ज़रा भी किसी का भी मूड ख़राब करूँ। ऑब्वियसली माँ है, वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब है तो उनका मूड ख़राब हो जाता, तो मैंने ना किसी को नहीं बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो आज 6 तारीख है, आज अम्मी जा निकल चुके हैं यहाँ से और दिल्ली पहुँच चुके हैं, ठीक है, अजमेर जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं अजमेर की दरगाह ज़ियारत के लिए। तो 6 तारीख की मॉर्निंग में निकले वो लोग सुबह सुबह, अभी दिल्ली पहुँच चुके हैं तो मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ देती तुमको फ़ोन, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे रियाज के माले पे हूँ, मतलब कि कोर्ट माले पे बैठी हूँ। उज़्मा मेरे साथ आई है, मैं आज भी नहीं आती थी, मैं आज भी अपने घर पे रहती थी, बट आज दो तीन काम एक साथ होने वाला है। कल ऊपर छत का वो स्टील की रॉड लग गई थी, लेकिन आज कुछ मट्टी वट्टी धूल वूल वाला काम है, उन्होंने बोला धूल उड़ेगी क्योंकि वो सीलिंग डालते हैं तो कुछ तो धूल उड़ती है, वाइट पाउडर रहता है, यू भी बोल सकते हैं, हाँ, तो उससे मुझे और तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इवन वायरिंग का भी काम होगा तो मतलब घर के अंदर लमसम 5 से 6 जेंट्स होंगे, तो मुझे बिल्कुल भी शायद लेटने नहीं मिलेगा। कल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने जगह बना के पसारा हटा के मैंने थोड़ा सी अपनी पीठ सीधी की, सीधी इन द सेंस क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, सीधी तो नहीं क्योंकि ऐसा हो गया था मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, खड़ भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी। आज तो मैं इतनी बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो चलिए आगे नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को शायद यहाँ का मिल सकता है या वहाँ का मिल सकता है या दोनों कंबाइन होके मिल सकता है, ठीक है। आज तो वहाँ पूरा बाबू ही देखने वाले, बता के तो मैं आई हूँ, कैसे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का टेंशन है। आप सोचो मैं पूरा घर छोड़ के आई हूँ, पूरा घर छोड़ के आई हूँ। एक औरत है ना, हस्बैंड भले रहते हैं, हाँ नूर, सो पूरा घर छोड़ के आई, मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं मेरे को, लेकिन सिर्फ एक बात की फिक्र है, जो कैप मेरा निकला है ना ये साइड का खाली है, जो 3 दांत का कैप था मेरा ब्रिज, वो मैं छोड़ के आई हूँ ब्रिज पे, वो घूमने का एक टेंशन है मुझे, और कोई पैसा जेवर गहना कपड़ा किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है मुझे, सिर्फ वो कैप का टेंशन है। मैं उसी के लिए फिक्रमंद हूँ कि वो ना घूम जाए, उसके लिए मैं अभी तक दो बार कॉल कर चुकी हूँ बाबू को कि वो संभाल के रखना, वो है तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल है। क्या मीना, ये तो नानू की गोटी है, नानू चिल्लाएगी, रख दे रख दे, तुझे तो नहीं चिल्लाएंगे लेकिन घर में किसी और को चिल्ला देंगे, ठीक है, इसको ढक के रख। तो ऐसा है, तो बस वो कैप रहता है तो मैं खा पाती हूँ या कुछ कर पाती हूँ, अगर वो घूम गया ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे मुँह में। फोन चाहिए, गेम खेलना है, क्या चाहिए, कौन सा गेम, उसको कैरम खेलना है, कैरम खेलना है, अरे तो गेम ही बोलते हैं उसको, वो नानू का कैरम है उसके, उसको खेलना है। तो रुको पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर खेलेंगे। तो देखो मेरी भाभी ने मुझे नाश्ता बना के दिए, आमलेट रोटी खा रही हूँ, वो पोहा बना रही थी लेकिन पोहा मुझे इतना खास पसंद नहीं है, तो चलिए फिर खा लेती है, नाश्ता कर लेते, आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी मेरी तबीयत की भी, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, देखना भूलना मत अगला ब्लॉग भी, बने रहना मेरे साथ, हाँ देखती हूँ, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय। लाइक करना ना भूलें, बोलना उतना लाइक करना ना भूलें, अच्छे से याद से करना लाइक।